गोकर्णा बीच, बिकॉज माई हॉस्टल इज राइट बीच फ्रंट पे, ट्रिपर वर्ल्ड हॉस्टल में रह रही हूँ मैं, एंड इट्स रियली नाइस बीच फ्रंट पे है, सो इट्स सुपर अमेजिंग. इट्स आई थिंक इट्स अराउंड 11:30-12 o'clock राइट नाउ एंड इट्स सुपर सनी, बहुत गर्मी है यहाँ पे, एंड कमिंग राइट फ्रॉम ऊटी जहाँ पे ठंड थी, आई वॉज वेयरिंग अ स्वेटर टू दिस ट्रॉपिकल प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इज क्वाइट एक्सपीरियंशियल. मतलब काफी ठंड से काफी गर्मी में आ गई हूँ, बट इट्स सो गुड. मतलब वैसे लाइक आई एम वॉचिंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आज की पहले कोई बीच नहीं देखा था, एंड मैं अपने इतने सारे फोटोज वीडियो सब में मैं बोली थी दैट आई एम गोइंग फॉर अ बीच ट्रिप, बीच ट्रिप, एंड फाइनली हियर आई एम हियर ऑन अ बीच. ये सनसेट होगा 6:20 पे, तो हम लोग जा रहे हैं कुडले बीच जहाँ पे सनसेट सबसे अच्छा माना जाता है. मतलब वहाँ पे काफी अच्छी वाइब होती है पूरे सनसेट की, एंड चलते हैं उधर, देखते हैं यहाँ से कैसे पहुंचना है वहाँ पे. आई हैव हर्ड इट्स अ 1 hour वॉक, सो प्रोबेबली वी आर नॉट गोइंग टू वॉक, अदरवाइज वी विल मिस आउट द सनसेट. लेट्स सी, चलो. पीने रुके थे रास्ते में, ये पता नहीं क्या है, टेस्ट समथिंग लाइक खाजा. खाने पे पैसा वेस्ट करने से ज्यादा मैं करती गया हूँ. बहुत मीठा है, आई लव मीठा. मतलब यहाँ पे कुडले बीच का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, देयर आर स्टेयर्स, स्टेयर्स को फॉलो करते करते बीच पे पहुंच जाएंगे. आई कैन हियर द बीच, सो जल्दी जल्दी पहुंचते वरना सनसेट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है. एंड ऑटो वाले ने मुझसे 150 rupees लिए फॉर, मतलब गूगल मैप 9 kilometers दिखा था, सो आई थॉट कि इट्स फाइन, बट इट वॉज नॉट इवन 3 kilometers, आई कुड हैव इजिली वॉक, बट कोई बात नहीं, अब तो आ गए हैं. सो इफ यू गाइज कमिंग फ्रॉम दैट साइड ट्रिपर या उसके आस पास में, तो प्लीज वॉक, इट वॉन्ट इवन टेक यू 20 minutes. लेट्स गो. ये पॉइंट है, दिस इज अ शॉर्ट हाइक काइंड ऑफ अ प्लेस. We have to go to Kudle Beach, so it will take us around 3 minutes as it's given. अगर ओम भी जाना है तो भी सेम पास जा सकते हैं, बट इट विल टेक अराउंड 30 minutes. सो लेट्स गो टू Kudle Beach. काफी डिफरेंट है, देयर आर लॉट ऑफ पाम ट्रीज एंड द माउंटेन, और ये काफी मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे थोड़ा सा थाईलैंड वाइब दे रहा है. सो प्रिटी, लेट्स गो. गोल्डन आर हो गया है और मैं बहुत ही देसी स्टाइल में आई हूँ आज एकदम ही, मेरी मम्मा इतनी खुश हो जाने वाली है ना. सनसेट पूरा मतलब हुआ नहीं है बिल्कुल अच्छे से, बट इट्स ऑलमोस्ट देयर, लाइक ये क्या हुआ. हाँ मतलब अभी हुआ नहीं है बिल्कुल ही, बट बस होने वाला है, इट्स लाइक 6:10. आप ऑलरेडी देख सकते हो बिल्कुल गोल्डन आर हो गया, मैं मेरे ऊपर पूरी गोल्डन लाइट आ रही है. और ये बीच बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, लाइक पूरे ये प्रॉपर बीच वाइब दे रहा है. जहाँ पे मैं रुकी थी ना वहाँ पे इट वॉज लाइक शोर लाइन थी पूरी की पूरी, बट लोग कम थे बहुत. यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा है, तो ऐसे फीलिंग सब कोई खेल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है कि हाँ एक्चुअली वी आर ऑन अ बीच. Thank you.
3 to 4 मेन बीचेस इन गोकर्णा. सनसेट अगर आपको देखना है अच्छा तो कुटले बीच द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ, ये सबसे अच्छा है. ओम बीच पे आप स्विमिंग करने के लिए मॉर्निंग में जा सकते हो क्योंकि वो काफी क्राउडेड होता है. देन देयर आर अ लॉट ऑफ बीचेस एक्चुअली, बट मेन मैं बता रही हूँ आपको. एंड देयर इज वन मोर बीच कॉल्ड हाफ मून बीच, वो भी काफी अच्छा है, काफी शांत है. एंड इफ यू आर एन एडवेंचर लवर देन गोकर्णा बीच, बिकॉज वहाँ पे टाइड हाई होते हैं, यू कैन डू अ लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज. राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द सनसेट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल.